एक एक जो श्वास हमारे निकल रही है ये बड़े अनमोल श्वास है। जैसे समझो अरब खरबपति हुई, कोई अरब खरबपति है, उसका डॉक्टर ने बोल दिया भैया इसका ये अंतिम श्वास है, लेकिन अरब खरबपति बोले भैया 1 करोड़ रुपया देता हूँ उसका एक श्वास वापस ले आओ, नहीं तो तुमको 5 करोड़ रुपया देता हूँ 5 श्वास वापस ले आओ। ला सकता है? नहीं ला सकता। मतलब हमारी एक श्वास की इतने महत्व है, इतने हमारी एक श्वास की महत्व, लेकिन ये श्वास की सार्थकता किसी में है? कल जब हमारे हर श्वास में भगवान के नाम निकले, क्यों 84 लाख जीवन में केवल एक जीवा में दिया ठाकुर जी, जिस जीवा से हम ठाकुर जी की नाम जप कर सकते हैं, जिन्हें हाथों से ठाकुर को सेवा कर सकते हैं, जिन्हें कानों से कृष्ण कथा सुन सकते हैं, और कोई ये काम को नहीं कर सकते। इसलिए भगवान राम अयोध्या वासियों को समझाते हैं, अयोध्या वासियों साधन धाम मोक्ष करे द्वारा पाई न जई पर लोक सवारा, बल्कि ये मानव शरीर नहीं ये मुक्ति के दरवाजा में खड़े हुए हो। 84 लाख जन्म भटकते भटकते ये मुक्ति के दरवाजा में तुमने खड़े हुए हो। अगर ये जीवन पा करके भगवान की भक्ति नहीं किया, दूसरी लाइन में कहते हैं फिर अगले जीवन में जो पेड़ पौधा जानवर बनोगे सर पीटोगे, लेकिन ठाकुर तुम्हें मानव जन्म नहीं देंगे। बोले तुमने क्या क्या मानव शरीर पा करके तुमको तो दुर्लभ जीवन दिया, वही खाए पिए और बच्चे जन्म देकर मर गए, और क्या दिया? हर जीवन में तो यही करते करते आया। अगर इसी जीवन में खाए पिए शादी किया 2-4 बच्चे जन्म देकर मर गए तो तुमने कौन सा बड़ी 3 मार दिया? कौन सा? कुत्ते को देखो 4-5 बचा देता है, बकरी को देखो, सुअर को देखो है एक एक महीना में पाल कर छोड़ देते हैं। अगर हम 2-4 बच्चे को बड़े कर दिया, कौन सा बड़ी 3 मार दिया तुमने? कोई नहीं किया है। इसलिए तभी समझो बड़ा 3 मारा। ये जीवन पा करके अगर ठाकुर जी के भजन कर लिया, भगवान की भक्ति कर लिया, ठीक है ना, क्या करना है? भगवान की भक्ति। टिकट क्या है? टिकट क्या? भगवान के नाम, ठीक है ना। इसलिए सबके सब हर समय देखो, हर समय ये माला को पास में रखना, छोड़ना नहीं कहीं, भले ये दुनिया छूट जाए, दुनिया तो छूटेगा तुमसे नहीं, चांद भर दुनिया में छोड़ेंगे है, लेकिन ये प्रभु का नाम कभी नहीं छूटेगा, ठीक है ना। ये माला को देखो, हमारे प्रभु जी बैठे, ये गुरु जी की, हमारे बड़े गुरु जी के शिष्य है, हम जानते हो प्रभु जी को, इनका इनका जो बेटा है ना, इनके बेटा अमेरिका में रहता है, बेटी भी बहुत अच्छी जगह पर शादी की है, इसलिए ये गुरु जी की बहुत सेवा की। हमारे जितने संत है सब प्रभु जी अपना घर में रुकवाते हैं, अपना घर देखो इनके हाथ में देखो माला है, कभी कभी अमेरिका भी चक्कर लगाते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी चक्कर लगाते हैं, बहुत के इनके हाथ में देखो माला है, देखो प्रभु का नाम जप कर रहे हैं, क्यों? उनको पता भैया सारा दुनिया तो छूटेगा लेकिन ये माला ही नहीं छूटेगा, अंतिम समय में जब जाएगा यही बोलेंगे पायो जी मैंने राम रत्न, ठीक है ना। माला को हर समय अपना पास में रखो, ठीक है, माला को हर समय अपना रास्ता में जा रहे हो तो इधर उधर बात करते करते क्यों जाओगे, ठाकुर का नाम जब करते करते जाओ ना, ठीक है ना। इसलिए बैठे हो कभी भी इधर उधर का बात मत कर, क्या करो अपना घर की काम हो गया, अपना घर का काम को भी काम मत समझो, ठाकुर को सेवा समझो, ठाकुर जी की सेवा समझो। घर में झाड़ू लगा रहे हो, कहाँ झाड़ू लगा रहे हो? ठाकुर जी के मंदिर में। बच्चे को जैसे गोपिया थी, वो भी तो घर गृहस्थ थी ना, बच्चे को थपथपी लगा कर सुला रही है, लेकिन मुंह में ठाकुर जी की बोले गोविंद दामो धर्मांधवेति, गोविंद दामो धर्मांध, हाथों में काम और मुंह में ठाकुर जी की नाम, ठाकुर जी की नाम है ना। घर में रसोई बनाओ, बोले क्यों? तो ठाकुर जी को भोग लगेगा, ठाकुर जी को भोग लगेगा, इसलिए हर काम को किया करो ठाकुर के साथ में, हर काम को ठाकुर के साथ में जोड़ दो, बस हो गया, ठीक है। और सवेरे उठ करके नहा धो करके थोड़ा माला लेकर जपा करो, ठीक है ना, थोड़ी सी माला समय को, माला जब गुरु जी से एक बार ली है ना, गुरु जी कहते जब गुरु जी हमें माला दिया, माला नहीं दिया, गुरु जी हमें कृष्ण दे दिया, गुरु जी हमें कृष्ण दिया है, इसलिए भगवान गुरु जी कहते हरि से बड़ा हरि, हरि से बड़ा हरि का नाम, ठाकुर जी गुरु जी हमें माला नहीं दिए, गुरु जी हमें ठाकुर जी को दे दिए है, इसलिए भगवान के नाम को चिंतामणि बताया, ठाकुर का नाम चिंतामणि, चिंतामणि मतलब क्या, जो मांगोगे वही देगा। देखो अभी हम हमारी जो कथा हो रही प्रभु जी, वो लोग 5 भाई है, अभी जहाँ कथा हो रही वो 5 भाई है, इसमें एक भाई है, एक भाई दिन रात हरिनाम करता, उसको इतना पैसा नहीं लेकिन
ठीक ठाक है लेकिन इतना पैसा नहीं। लेकिन उसमें एक भाई बहुत पैसा वाला करोड़पति, उसका एक भाई करोड़पति है। लेकिन वो दिन भर जो भाई भजन करता है, उसका और भी एक दो भाई, तो वो तो भगवान की भजन करता है। अभी उसकी बेटी की शादी हुई, बेटी के साथ इतना पैसा नहीं, ठीक ठाक लेकिन उतना नहीं। लेकिन देखो भगवान की जो भजन करते हैं, कितना करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रही है और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। देखो मेरे को आज बता रहा था जेपी, मेरे को बता रहा था ये बात को, जेपी कह रहा था वो अपना पत्नी को बोल रहे थे, बोले ये भैया का काम कभी बंद नहीं होगी, कोई काम जो उसका रुकावट नहीं आएगा। तो उसके पत्नी ने कहा क्यों, बोले कारण है वो दिन रात भगवान का नाम जप करता है। उसका जो एक भाई पास बहुत पैसा है, उसने कहा कोई चिंता नहीं, तेरे बेटी का शादी का पैसा मैं सब कुछ दे दूंगा, गाड़ी भी दूंगा और 2 लाख रुपया घर का, मतलब जहां पर शादी की ये होगा 2 लाख रुपया वहां लगेगा, जितना पैसा होगा मैं, जितने पैसा होगा गाड़ी सब कुछ मैं देकर तेरी बेटी का सब शादी करा दूंगा। वो कह रहा था देखो भगवान के भजन करता है भाई, ठाकुर जी उसका हृदय में प्रेरणा दिलाया। बोले क्यों, बोले ये दिन रात प्रभु का नाम करता है तो उसका काम को कौन करेगा। नरसिंह भगत का नाम सुने ना, नरसिंह भगत दिन रात भजन करता था प्रभु को, उसके घर में बेटी, बेटी के शादी की लायक हो गई, और बेटी को शादी कौन करवाएगा। कृष्ण स्वयं सावरिया सेठ बन करके कृष्ण बेटी की शादी कराने के लिए जाते हैं ठाकुर जी, और ऐसे ठाकुर जी शादी कराए ना करोड़पति भी ऐसे शादी नहीं करा सकते, ठाकुर जी ऐसे उन्होंने शादी करा ठाड़ बाड़ से। इसलिए भगवान की, भगवान कहते ना मेरे तरफ में एक कदम बढ़ाओ मैं तेरे कदम, तेरे तरफ में कितना कदम बढ़ाऊंगा, 10 कदम बढ़ाऊंगा। लेकिन बढ़ाओ तो पहले एक कदम, पहले तो एक कदम बढ़ाओ तभी तो ठाकुर 10 कदम बढ़ाएंगे ना, बढ़ाए कहां से, ठीक है ना। सब सब क्या करना, ठाकुर जी की माला जप करना, समय को नष्ट नहीं करना। लगता है आप लोग सब माला लिए है ना, कौन कौन माला लिए हो, हाथ उठाओ कौन कौन माला लिए, सबके सब लिए हो, तुमने माला नहीं लिए तो हाथ नहीं उठा लिए, जरा हाथ ऊपर उठाओ। हाँ इसलिए सबके सब ठाकुर जी की, इसलिए गुरुदेव कहते थे जब हम गुरु जी से माला लिए, गुरु जी माला नहीं ठाकुर जी को हमें दे दिए, ठाकुर जी को गुरु जी, ठाकुर जी हमें दिए। कहते गुरु जी कहते थे अगर एक दिन माला नहीं किया तो मतलब क्या जानते हो, मतलब है ठाकुर जी आज दिन भर भूखे हो रहे। जैसे एक दिन अगर हम कपड़ा नहीं बदलाए, स्नान नहीं करे, भोजन नहीं करे, अच्छा लगेगा हमें नहीं। जब सवेरे कपड़ा बदला करके नहा धो लेते ना, शरीर फ्रेश लगता है, शरीर हमारी फ्रेश लगती है। उसी तरह गुरु जी कहते थे जब एक दिन हमने माला नहीं छुआ, माला जप नहीं किया, समझो आज ठाकुर जी भूखे रह गए, ठाकुर जी कपड़ा नहीं बदला, ठाकुर जी सारा दिन ठाकुर जी भूखे रह गए, ठीक है ना। इसलिए सवेरे उठ करके पहले कहते 100 काम छोड़ करके अपना भोजन करो, 100 काम छोड़ करके अगर भोजन करो, और 1,00,000 काम छोड़ करके अपना काम करो, 1,00,000 काम छोड़ कर अपना कर्तव्य पूरा करो, अपना काम छोड़ो, और करोड़ों काम छोड़ करके भगवान की भजन करो, भगवान की नाम करो, क्यों यही हमारे साथ में, यही धन ही हमारे साथ में जाने वाले, ठीक है ना। इसलिए सबके सब भगवान के नाम जप करना, भगवान की भक्ति करना और संसार में आनंद में रहना, ठीक है। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोला हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण।